जिस मुआशरे में निकाह देर से होगा वहां अस्पतालें ज्यादा होंगी। क्यों? जिस मुआशरे में निकाह में ताखीर होगी वहां वहां गुनाह आम होगा, और जहां गुनाह आम होगा अल्लाह पाक उसके नतीजे में लाइलाज बीमारियां पैदा कर देगा, तो फिर अस्पताल आम होंगे। जिस मुआशरे में निकाह में ताखीर होगी, आज की बात है, दो खानदान मेरे पास आए, जी हम दोनों बहने हैं, मेरे बेटे से इसकी मंगनी है, और मैंने उनसे पूछा शादी, कहने लगे कुछ हालात कमजोर हैं। तो मैंने उनसे अर्ज किया कि एक महीने में शादी कर लो, दो तीन बंदे जाएं, ना शरीक देखें, ना नाक देखें, ना फैशन देखें, ना कोई हाल बुक ना कराएं, क्योंकि हाल में हमेशा बेहाल हो जाता है बंदा, कोई हाल बुक ना कराएं, दो तीन बंदे चले जाएं, अच्छा दूसरी तीसरी शादी में ऐसा होता है, पहली में क्यों नहीं होता? बस जी आपकी दुआओं से, मीमी मुझे कहते हैं, हालांकि मैंने दुआ की नहीं होती, बस जी आपकी दुआओं से जो है बस ऐसे मुख्तसर से सादगी में हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। बस गए थे और बहुत से लोगों को बाद में पता चला कि हमें भी नहीं बुलाया आपने, हमें भी नहीं बुलाया, तो कहने लगे कि बस ऐसे सादगी में जो है वो कर लिया और सादगी में हो गया। दूसरी शादी तो सादगी से होती है, तीसरी शादी शादी से होती है। मुझे एक बंदे ने टोना बताया, जिस बंदे की, जिस माई की तीन शादियां नाकाम हो चुकी हों, वो मुझे एक टोटका हुए बंदे ने बताया। मैंने कहा भाई ये, मैंने कहा तू कहाँ से करता है? कहने लगा कि मेरे हमारे यहाँ एक माई है, उसकी तीन शादियां नाकाम हो चुकी हैं, तो मैं उसका करता हूँ टोटका। अब मैं तो पहले माई तलाश करूं जिसकी तीन। आखिर दूसरी तीसरी शादी सादगी से क्यों होती है? वहां नाक कहा जाता है, रिश्तेदार, नाक, शर्मिंदगी, वहां तो सारी बंदगी नजर आती है, शर्मिंदगी नजर तो नहीं आती। तो मैंने उनसे अर्ज किया कि एक महीने में शादी कर दे। तो अस्पतालें में बात कर रहा था आम है, और आने वाला वक्त अस्पतालें बढ़ाएगा, याद रखना, कम नहीं होंगी। अगर अल्लाह अपनी रहमत कर दे तो कम हो सकती हैं, वरना कम नहीं होंगी। अस्पतालें, इलाज मुआलजे के निज़ाम, मरीज बढ़ते जाएंगे। وعبقري حساب